गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सामुदायिक कल्याण के लिए कौन कौन सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो कार्यरत है। तो हम उनमें से क्या कर रहे थे, हम कल कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी WHO की बात कर रहे थे। इंटरनेशनल एजेंसी है जो क्या है, स्वास्थ्य के लिए क्या करती है, काम करती है। आपको बताया था WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उद्देश्य था आपको कल बताया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी क्या है, ये क्या है, क्या इसके कार्य है यानी क्या इसके उद्देश्य है और क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ इसका कार्यालय है, कितने इसके सदस्य हैं और एट प्रेजेंट इसके सदस्य कितने हैं। तो ये क्या है, हमने कल की क्लास में किया था। आज हम करने जा रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की गतिविधियां करेंगे कि विश्व जो WHO है उसकी क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या काम वो करता है, क्या क्या एक्टिविटीज है, क्या क्या गतिविधियां हैं। तो क्या करेंगे हम, विश्व स्वास्थ्य संगठन की गतिविधियां, गतिविधियां करेंगे इसमें हम। सबसे पहले हम इसमें करेंगे विशिष्ट रोगों का निवारण एवं नियंत्रण। संक्रामक रोग हैं यानी संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों का निवारण एवं नियंत्रण अति आवश्यक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO क्या है, संक्रामक रोगों के निवारण हेतु क्या करता है, जमकर संघर्ष कर रहा है। वो क्या है, लगातार क्या है इस क्षेत्र में क्या है, कार्य कर रहा है। और क्या करता है वह, जैसे कि क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या है, चेचक जैसी खतरनाक जो बीमारी थी, जानलेवा बीमारी थी, उसको भी क्या है, विश्व से जड़ से उखाड़ फेंका है। यानी उसके लगातार क्या है, प्रयत्न से उसने क्या किया, चेचक जैसी भयंकर बीमारी को भी क्या है, विश्व से उखाड़ फेंका है। यानी उसका पूरी तरह से क्या कर दिया, उस पर नियंत्रण पा लिया है। वर्तमान में यह एड्स पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कर रहा है, भरपूर प्रयास कर रहा है। पहले इसने चेचक का निवारण किया, अब ये किस पर कर रहा है, कंट्रोल करना चाह रहा है, अब यह एड्स पर करना चाह रहा है। इसी प्रकार क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन संक्रामक रोगों से संबंधी क्या है, सर्वेक्षण करता है, आंकड़े एकत्रित करता है तथा इन आंकड़ों से जो भी सूचनाएँ मिलती हैं उनको प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में करता है। यानी जो भी क्या होते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, संक्रामक रोग हैं, उससे संबंधी वो क्या करता है, WHO पहले क्या है, आंकड़े इकट्ठा करता है। आंकड़े इकट्ठे करने के बाद क्या है, उन आंकड़ों को क्या करता है, जो भी सूचनाएं उससे रिलेटेड होती हैं वो क्या करता है, लोगों तक क्या है, प्रचार और उसका प्रसार करता है, ताकि क्या हो जाए, लोग उसके बारे में अवेयर हो जाए। सन 1972 में
विश्व में क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या है, स्वचालित टेलेक्स ज्वाबी सेवा। सेवा की क्या है सहायता से कोई भी सदस्य देश अपनी समस्याओं को, जो भी उनकी समस्याएं होती है, समस्याएं किससे रिलेटेड होंगी, रोगों का निवारण और चिकित्सा सुविधा से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनके लिए क्या है, बिना कष्ट बिना समय नष्ट किए WHO तक पहुंचाता है। यानी क्या करता है, जो स्वचालित टेलेक्स जो भी सेवा है वो क्या करती है, इसका शुभारंभ किया कि जो भी कोई देश है वो क्या करेगा, बिना समय नष्ट किए क्या है, अपनी प्रॉब्लम्स कहाँ रखेगा, अपनी प्रॉब्लम WHO तक रखेगा और WHO क्या करेगा, उसके निवारण के लिए कार्य करेगा, उसकी सहायता करेगा। और ये किस उसमें होगी, रोगों के बचाव के लिए, रोगों के निवारण के लिए और उससे संबंधित जो भी सहायता है उसके लिए। तो इसके लिए क्या थी, जो भी सुविधाएं यानी चिकित्सा से रिलेटेड जो भी सुविधाएं उनको जरूरत होती थी उनकी वो क्या करता था, WHO सहायता करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन उन समस्याओं को गंभीरता के अनुरूप उसके निराकरण के लिए क्या करता है, हर संभव प्रयास करता रहता है, हर संभव प्रयास करता है। संपूर्ण विश्व में चेचक का उन्मूलन इसी संस्था की देन है, यानी चेचक का जो निवारण है, नियंत्रण है, वो किसकी देन है, इसी की देन है। चेचक क्या है, जड़ से खत्म कर दी गई। पहले आप देखते थे, आप सुनते भी थे कि चेचक हो गया, और आप बहुत से लोग पुराने कई लोग देखे होंगे उनके चेहरे पर क्या है, चेचक के जो दाग है वो रहते हैं। तो क्या है, ये भयंकर बीमारी थी जो आजकल आपको कम देखने को मिलती ही नहीं है। तो क्या है, इसमें किसका सहयोग है, इसमें WHO का सहयोग है। संपूर्ण विश्व से पित्त, ज्वर, हैजा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया, खसरा आदि जो भी बीमारियां, उनको जड़ से मिटाने के लिए क्या है, यह है क्या है, भरसक प्रयत्न कर रहा है। WHO किसको, हैजा को, हैजा है, मलेरिया और क्या है, इसमें पित्त ज्वर है आदि जो भी बीमारियां हैं उनको जड़ से खत्म करने के लिए WHO है वो क्या है, लगातार प्रयत्न कर रहा है। जैसे कि आप देखते हो पोलियो के लिए क्या है, पोलियो भी है, पोलियो के लिए क्या है, दवाई खिलाई जाती है। आजकल क्या है, पोलियो का प्रभाव है आपको कम देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि मोस्टली कुछ हद तक, कुछ यानी पूरी तरीके से क्या है, WHO ने पोलियो पर भी क्या है, कंट्रोल पा लिया है। इस जब बीमारी को भी क्या है, इन्होंने जड़ से खत्म कर दिया है। कोई थोड़े बहुत ही केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या है, अभी भी वो क्या है, भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन क्या है, एट प्रेजेंट क्या
अब इसके केसेस कम देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, पोलियो, पोलियो के उन्मूलन के लिए वो किसके साथ काम कर रहा है, मिलके यूनिसेफ के साथ मिलकर क्या है इसके लिए काम कर रहा है। पोलियो के उन्मूलन के लिए क्या है, WHO है वो किसके साथ मिला हुआ है, WHO यूनिसेफ के साथ मिलकर काम कर रहा है। यूनिसेफ के साथ मिलकर क्या कर रहा है, वो लगातार काम कर रहा है किसको मिटाने के लिए, पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए। तो इस प्रकार से क्या है, इस संगठन के सहयोग से संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। आपने सुना भी होगा कि अब नहीं है वो, पहले चलाया जा रहा था, लेकिन कुछ अभी भी क्या है थोड़े थोड़े टाइम बाद में, पहले तो क्या थे कंटिन्यूस वो दवाई पिलाई जाती थी, लेकिन क्या है आपने सुना होगा दो बूंद जिंदगी की जो बोलते हैं, तो वो पिलाई जाती थी 5 साल से छोटे बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाती थी। अब क्या है आप देखते हो अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब इसके केसेस भी क्या है, इसका प्रभाव है वो खत्म होता जा रहा है। अब क्या है इसमें, इसका क्या था कि पोलियो क्यों खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ताकि कोई भी बच्चा देश में अपंग और विकलांग न रह पाए, क्योंकि पोलियो से क्या था बच्चे अपंग हो जाते थे और वो विकलांग हो जाते थे। पोलियो से जड़ से मिटाने के लिए बीहड़ जंगलों, सुंदर गांवों में निवास करने वाले ग्रामीणों तक सुदूर यानी दूर दूर गाँव में जो लोग हैं उनको भी क्या है ये दवाइयाँ पिलाई जाती थी। पोलियो का प्रचार प्रसार किया जाता था, ताकि क्या है शहरों में इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या किया जाता है, दर्श्य सर्वे सामग्री जो भी है उनका प्रयोग किया जाता है। यानी पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए ये दोनों एजेंसियां हैं, शहरों में तो क्या करती हैं, दर्श्य सर्वे सामग्री है उनको शहरों में दिखाती हैं, और जो गाँव है दूर दूर तक जो गाँव है उनमें भी क्या करती है उनके लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, अब क्या है इसमें असंक्रामक रोग है, विश्व स्वास्थ्य संगठन असंक्रामक रोग, जैसे क्या है संक्रामक कौन से होते हैं, जो कम्युनिकेशन से कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो फैल जाती है, और असंक्रामक रोग कौन से होते हैं, संक्रामक रोग कौन से होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क से फैल जाते हैं, जैसे कि टीबी होता है, आपने देखा होगा कि खांसी जुकाम है वो भी आपने कम्युनिकेबल डिजीज है, एक घर में एक को हो जाती है फिर दूसरे को, दूसरे से तीसरे को हो जाती है, ये क्या है कम्युनिकेबल डिजीज है। इसी प्रकार से क्या है स्किन की कोई भी बीमारी होती है तो एक दूसरे को लग जाती है, तो ये क्या है कम्युनिकेबल डिजीज है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, असंक्रामक बीमारी वो कौन सी है जो छूने से नहीं लगती, जैसे हृदय रोग है, कैंसर है, आनुवांशिक हेरिडिटी आनुवांशिक बीमारी है, यानी जो अपने पेरेंट्स से चली आ रही है वो भी किसी के संपर्क से नहीं फैलती हैं, बल्कि क्या है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, और जैसे दांत रोग है या और कोई इस प्रकार की जो बीमारियाँ वो क्या है असंक्रामक रोग के अंतर्गत आती है। तो इनके लिए भी क्या है, उनके निवारण के लिए भी क्या है WHO है वो लगातार कार्य कर रहा है, क्योंकि जितनी मृत्यु संक्रामक रोगों से के फैलने से होती है लगभग उतनी ही मृत्यु जो दर है इन असंक्रामक रोगों के कारण भी होती है। जितनी संक्रामक रोगों के कारण मृत्यु हो रही है उतनी ही किसके कारण हो रही है, असंक्रामक रोगों के कारण भी क्या है उतनी ही मृत्यु हो रही है। तो इसके लिए नशीली वस्तुओं के सेवन के प्रति भी यह संगठन लगातार प्रयत्नशील है, जैसे कोई भी किसी को किसी प्रकार का नशा है उनको उससे निकालने के लिए उनके निवारण के लिए भी क्या है कई प्रकार के कार्यक्रम है वो WHO के द्वारा चलाए जा रहे हैं। पश्चिमी प्रांत के 16 देशों में संचारी रोगों की अपेक्षा असंचारी रोगों से अधिक मृत्यु होती है, आंकड़े हैं इसके बारे में। अतः विश्व स्वास्थ्य संगठन इन रोगों के निवारण के लिए उपचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा है, तकनीकी सलाह है, तथा नवीनतम उपकरण आदि की क्या करते हैं व्यवस्था करते हैं या करवाते हैं वहाँ पर। फिर है कैंसर, यूं तो कैंसर से बचाव के लिए क्या है 1965 से ये क्या है हम
क्या कर रहे हैं, कौन कौन से रोगों के लिए क्या है WHO काम कर रहा है। एक तो पोलियो के लिए काम किया है, चेचक को उसको जड़ से ख़त्म कर दिया है, फिर उसने पोलियो के लिए काम कर रहा है, ज़्यादा मोस्टली उसको ख़त्म कर दिया है। अब वो क्या है, असंक्रामक रोगों के लिए काम कर रहा है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी है इसके लिए वो काम कर रहा है। यूँ तो कैंसर से बचाव के लिए क्या है, 1965 से ही फ्रांस के लियोन शहर में कैंसर अन्वेक्षण की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सहयोग से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बचाव के लिए क्या है, अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं, रिसर्च वगैरह की जा रही है तथा चिकित्सा विधियों का मानकीकरण किया जा रहा है। तो इसमें 7 अप्रैल 1987 से संगठन के सभी कार्यालयों में धूम्रपान निषेध का कानून लागू कर दिया गया, यानी 7 अप्रैल 1987 विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है उस दिन, तो क्या है 1987 से क्या है वहां पर क्या कर दिया, धूम्रपान निषेध कानून लागू कर दिया गया। निषेध कानून लागू किया गया, कहाँ पर कानून लागू किया गया, जो WHO के कार्यालय थे वहां पर क्या है इसका क्या कर दिया गया, इस संगठन के जितने भी कार्यालय थे जहां पर इसका काम चल रहा है तो वहां पर क्या है ये कानून लागू कर दिया गया ऑफिस वगैरह में, ताकि क्या है लोग वहां पर धूम्रपान ना करें। तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की, अपने यहाँ से उन्होंने शुरुआत की। तो इस प्रकार से क्या है वो कैंसर को हराने के लिए, कैंसर के कारणों व उसकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी क्या है पर्यावरणीय कारकों की भी खोज की जा रही है। और आपने अब देखा होगा पहले क्या थे, कैंसर एक लाइलाज बीमारी थी, परंतु एट प्रेजेंट क्या है कि आपने हॉस्पिटल लिया क्या है, अब क्या है जो मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में कहें तो क्या है बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली है। तो इसके क्या है उपचार क्या है संभव हो गए हैं, और ज़्यादातर क्या है इसको इससे बच भी जाते हैं, पेशेंट्स जो होते हैं वो इससे बच जाते हैं। फिर इसमें बात की है मानसिक स्वास्थ्य संगठन की बात की है, मानसिक स्वास्थ्य जो भी कार्यक्रम है उन वो चलाए जा रहे हैं WHO के द्वारा। संपूर्ण विश्व में 200 मिलियन से भी अधिक व्यक्ति मानसिक रोग के शिकार हैं, जिनमें से 40 मिलियन रोगी तो साइजोफ्रेनिया नामक क्या है गंभीर बीमारी के शिकार है। साइजोफ्रेनिया ग्रसित है संपूर्ण विश्व में, और क्या है जिनमें से 40 मिलियन लोग है वो साइजोफ्रेनिया, 40 मिलियन लोग है वो साइजोफ्रेनिया, यानी क्या है एक ये भी मानसिक बीमारी है इसके शिकार है लोग, क्या है 200 में से 40 मिलियन लोग हैं वो साइजोफ्रेनिया नामक जो मानसिक बीमारी है उससे क्या है शिकार हैं। 80 मिलियन व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हैं, मेंटली वीक हैं, अतः इन रोगों के निवारण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कई महत्वपूर्ण क्या है रिसर्च किए जा रहे हैं। इन रोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपाय एवं रणनीति तैयार की जा रही है। बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं, 6 जानलेवा बीमारियां हैं जो कौन कौन सी होती हैं, टिटनस,
छह जानलेवा बीमारियां हैं बच्चों के लिए, तो वो कौन कौन सी है इसमें? सबसे पहले छह जानलेवा बीमारियां हैं वो कौन सी है? सबसे पहली है टिटनस, दूसरी है खसरा, तीसरी है कुकर खांसी, दूसरी खसरा, तीसरी है कुकर खांसी, चौथी इसमें आ जाएगी हैजा। कुकर खांसी हो गया, खसरा हो गया, और इसमें आ जाएगी और कौन सी बीमारियां हैं? पोलियो, चौथी हो जाएगी पोलियो, पांचवी हो जाएगी डिप्थीरिया, डिप्थीरिया है, और कौन सी है? एक बीमारी और है, वो है क्षय रोग, जो क्या है? ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं क्षय रोग। टिटनस, खसरा, कुकर खांसी, पोलियो, डिप्थीरिया और क्षय रोग, क्षय रोग, ये क्या है? छह जानलेवा बीमारियां हैं जो किसको हो जाती हैं? बच्चों में हो जाती है। तो इनके लिए क्या है WHO क्या है लगातार क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और क्या है? इनसे छुटकारा दिलाने हेतु तथा उन्हें स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए वो क्या है लगातार प्रयत्नशील है। और क्या है? कुछ राष्ट्रों ने क्या है खसरा, इन्फ्लुएंजा आदि रोगों से 90% तक है क्या है प्रतिरक्षण पर लक्ष्य प्रतिरक्षण कर लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, इम्यूनाइजेशन कर लिया है, यानी टीकाकरण, टीकाकरण के द्वारा क्या है कुछ देशों ने क्या है दो तीन बीमारियां हैं उन पर 90% तक क्या है उन्होंने उस पर कंट्रोल कर लिया है। उसमें क्या आता है खसरा और इन्फ्लुएंजा। अब हम बात करते हैं पर्यावरणीय स्वास्थ्य की। ये तो हमारी थी पहला था जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो किसके लिए काम क्या क्या गतिविधियां। सबसे पहले जो गतिविधि थी विशिष्ट रोगों का निवारण एवं नियंत्रण, तो इसमें उसने क्या किया था? सबसे पहले विशिष्ट रोग कौन कौन से इसने लिए हैं? संक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग है, संक्रामक जो फैल जाते हैं एक दूसरे के संपर्क से, असंक्रामक क्या है जो एक दूसरे के संपर्क से नहीं फैलते हैं। फिर इसने बात की कैंसर की, कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, उससे क्या किया उससे बचाव के उपाय। फिर इसमें किसका किया इसने मानसिक बीमारी है, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए हैं, और इसमें क्या है बच्चों के लिए जो छह जानलेवा बीमारियां है टिटनस है, खसरा है, कुकर खांसी है, पोलियो है, और क्या है डिप्थीरिया और क्षय रोग है, इनसे बचाव के लिए भी क्या है ये काम कर रही है। और क्या है इस प्रकार से ये क्या है इन पर काम कर रही है। तो ये थे हमारे सबसे पहले इसमें कि वो किसके ऊपर काम कर रही है। तो जो बीमारी थी वो विशिष्ट रोग थे वो ये थे जो अभी हमने डिस्कस किए। आज की क्लास में इतना ही। अगर ज़्यादा बताऊंगी आपको तो क्या हो जाएगा ओवरलैप हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आया। जितना करवाती हूँ उसे एक बार प्लीज जरूर पढ़ें, समझ में आएगा अगर आप करेंगे तो। और क्या है ये जो चीज़ें हैं आपके फ्यूचर के लिए भी क्या है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ें क्या है आप जब कभी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोई भी तैयारी करते हैं तो ये चीज़ क्या है उसमें भी आएंगी। ये नहीं है कि यहाँ हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो यहीं पे याद किया पेपर में लिखा है तो यहीं ख़त्म, ऐसा नहीं है। ये क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपके आते ही आते हैं। तो आज के लिए इतना ही।